Viewers, a warm welcome to our TVN7 News channel. The team of Telangana Family Counseling Organization with Chairman Mohammed Najib at the Tolichoki office gave ration kits to large number of people, and those who did not receive will be provided on 5th of Ramadan. The team members comprised of Mr. Sameer, Mr. Shahbaz, Mr. Javed, Mr. Imran, Mr. Sajid, Mr. Habib, Mr. Abdul Qadir, Mr. Imtiaz, Mr. Osman, Mr. Babu, Mr. Abdul Bari, Mr. Kharshi, Mr. Shafai, Mr. Abdul Qadir, Dr. Abdul Karim, Dr. Afzal, Mr. Tawfiq, Mr. Muhammad Fahad, Mr. Wajahat, Mr. Shahbaz, Mr. Mateen, Mr. Athar are on such streak of social service. Let's have a glance at this report. Thank you.
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था। इसमें 350 राशन किट बनाए गए। तमाम जो मिडिल क्लास लोग हैं सलंग एरियाज में, वहाँ पर हम ऑलरेडी टू डेज बिफोर जाना टोकन दे दिए थे। आज इनको राशन किट दी गई और सोशल डिस्टेंस है, जैसा कि सैनिटाइजर है, हम वो भी साथ ही साथ जो है ना इसको भी हम यूटिलाइज करते हुए लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सैनिटाइजर मार के हम उन लोग को जो है ना अंदर एंट्री लेके हम उनके हाथ को किट दिए। तो तमाम आए हुए लोग जो राशन लेके गए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा बल्कि एक ही मैसेज है कि हम जिसको भी राशन दिए, हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करें, बल्कि लेके गए वाले हमारे पे एहसान करें जो लेके गए हमारे पास। तो हम अल्लाह से ये दुआ करते कि हमारे काम को कबूल करें और तमाम इंशाल्लाह हम आगे भी फिर एक 5 रमज़ान तक का इरादा हो रहा हमारा कि फिर हम आगे भी इसको जो है काम को अंजाम देंगे इंशाल्लाह। और तमाम मेरी टीम जो फैमिली काउंसलिंग की, जैसा कि जनाब समीर साहब, जावेद भाई, हबीब भाई, शहबाज भाई, इमरान अली, अफजल, खदीर भाई और आरिफ, फहाद, मतीन, दीगर और भी जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी भाई, वजाद, तो ये लोग जितने भी लोग मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम डेली फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम काम करते हैं, जो दीगर 6 पॉइंट्स पे हम काम करते हैं, जो 500 से 600 आदमी को हम खाना पहुँचा रहे थे, जो मेहदीपट्टनम और टोली चौकी लेबर अड्डा और मुसाफिर खाना नामपल्ली और हॉस्पिटल्स में, तो वो लोग के साथ भी है। ये पूरी टीम मेरी कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से, आज 31 डेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर भी हम काम करें। और राशन किट का ये 4th बार था यहाँ पर से, इंशाल्लाह फिर हम 5 रमज़ान के बाद फिर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और ये कोई चंदा या ताउन किसी का भी नहीं है इसमें, ये हमारे बिल्कुल हमारे ऑर्गेनाइजेशन और मेरे जो दोस्त हैं, हम कॉन्ट्रीब्यूट करके हम जो ना इसको ये काम को अंजाम दे रहे हैं इंशाल्लाह। और जिसको टोकन नहीं मिला, मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा अगली बार तक इन तक टोकन पहुँचाऊँगा और बराबर उनके लिए भी कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह। अभी आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब कैसा करना है? अभी जैसा बता रहे थे 5 रमज़ान को भी देंगे इंशाल्लाह, फिर बिफोर जो है ना, मैं 2 दिन पहले टोकन थोड़े फिर बना देते। अभी जिसको नहीं मिला हम उनका नंबर नोट कर लिए और हम थोड़ा अपने एरिया में जाके देख भी लेते कि वो लोग वाकई मुस्तैक है, क्योंकि हम कई बार देखे कि जो भी लाइनों में ठहरे तो अपने अपने घरों में राशन भरते जा रहे, तो जो मुस्तैक है, जो मिडिल क्लास आदमी है, वो रोड पे आके या लाइन में ठहर के नहीं लेता। तो हमारा एक ही मकसद था कि वो घर तक जाके इन तक राशन पहुँचाना, तो हम वही काम करें। टोकन दे दिए, अब इतने लोग को लेके जाके नहीं दे सकते।